हाँ डियर फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन के सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग आज फिर एक इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को ले रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चनों को हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया है, और साथ में हम इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करने जा रहे हैं। 19.11 ये आडिशम की बुक की एक्सरसाइज है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। आप देख रहे हैं कि 10 सिकेंट कॉट कॉसिकेंट इनमें कुछ लिखे हुए एक्सप्रेशन है। आइए समझते हैं क्वेश्चंस को। इसमें जो हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया है, एक तो ये कि 10 का पावर कोई भी नेचुरल नंबर है, लेकिन सेकेंड में अगर इवन पावर है, अगर सेकेंड में इवन पावर है तो क्या करना है, एक क्वेश्चन। दूसरे में अगर 10 और सेकेंड दोनों में ऑड पावर है तब क्या करना है। ओके, दोनों में ऑड पावर है तब क्या करना है। सो ये दो तरह के क्वेश्चनों को हम लोग इंक्लूड करने जा रहे हैं। क्या करेंगे, इस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो दिस वन और दिस वन, जो मेथड हमने यूज करना है यहाँ करना है, इसको भी यूज करना है। क्या करना है, 10 को तो अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। सेकेंड में क्या करना है, 2 पावर को वहां से हटा लेना है, ठीक है ना, और सेकेंड स्क्वायर को इसको अलग कर देंगे। एंड देन क्या करना है, इसको 10 में कन्वर्ट कर लेना है, कि इवन पावर है तो इट कैन बी कन्वर्ट 10। एंड देन इस क्वेश्चन के अंदर 10x को टी पुट करेंगे। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी cot x को टी पुट करना। सो इफ यू हैव दीज टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, दीज आर द सब्स्टिट्यूशन, ये हमारे सब्स्टिट्यूशन होंगे। एंड देन सी, अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है, व्हेन बोथ आर ऑड पावर, क्या करेंगे, दोनों में से 10 sec अलग कर लेंगे। यानी हम क्वेश्चन को यह स्टार्ट करेंगे, 10 2mx secant 2nx एंड देन 10x secant x dx। और क्या करना है कि secant x को t पुट करके क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। सो दीज मे बी अवर सब्स्टिट्यूशन टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन आर देयर इन दिस कैटेगरी। अगर एक्सरसाइज को जब हम सॉल्व करेंगे, सो थर्ड कैटेगरी और इसके अंदर एक क्वेश्चन की है, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, 10 nx dx और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट nx dx। सो दीज थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन दिस एक्सरसाइज नंबर 19.11। लेट अस सी द क्वेश्चंस, है ना, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। सो हियर सी द एक्सरसाइज, आई हैव टेकन द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 11.11। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो मैं एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, और देखेंगे कौन सा क्वेश्चन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन मीन्स इट इज 10 3x सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, मीनिंग 10, हम जैसे हमने कहा ना सेकेंड का पावर क्या होना चाहिए, इवन पावर होना चाहिए। सो ये क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट टाइप को बिलोंग कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर वन हमारा फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को बिलोंग कर रहा है। ओके, क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, हमने जैसे कहा था कि एक सेकेंड स्क्वायर अलग करना है, लेकिन यहाँ सेकेंड स्क्वायर ऑलरेडी अलग है। सो लेट अस स्टार्ट सिंपली पुटिंग 10x इक्वल टू t। क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बिकम डी टी, राइट। सो नाउ 10x को t पुट किया, t³, और ये सेकेंड स्क्वायर डी एक्स हमारा डी टी हो गया। सो द इंटीग्रेशन विल बी t⁴/4 + कॉन्स्टेंट c, और t क्या था, 10 था। सो 10 4x/4 + c है द आंसर ना। ये तो क्वाइट सिंपल हो गया ना, थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। सो आइए इस कैटेगरी का एक क्वेश्चन और हम लोग चूज करते हैं, है ना। लेट अस कम टू अनदर वन, है द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आई एम टेकिंग हियर। सी द क्वेश्चन नंबर 3 अगेन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन इसी कैटेगरी के हैं। ओके, सो नाउ हे सी, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह का है। सो वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3 हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 10 5x सेकेंड 4x dx। क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 10 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सेकेंड स्क्वायर को टू पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। सेकेंड की जितनी पार होगी एक सेकेंड स्क्वायर को उससे अलग कर लेना, राइट। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो एक जो रिमेनिंग सेकेंड है, सेक एक्स है, उसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, लाइक दिस, 1 + 10² x। एंड हियर वी हैव सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ पुट
टेन एक्स इक्वल टू टी, सो वी हैव सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्या बन जाएगा ये? नाउ हियर वी हैव टी टू पावर फाइव, टेन एक्स को टी पुट किया है, ब्रैकेट में वन प्लस टी स्क्वायर, नाउ दिस सेकेंड स्क्वायर डी एक्स, ये तो डी टी बन गया, लेट अस ओपन द ब्रैकेट, सो टी फाइव प्लस टी सेवन डी टी, और इट विल बी द आंसर विल बी टी सिक्स बाय सिक्स प्लस टी एट बाय एट प्लस सी, टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, टी मीन्स टी मतलब टेन एक्स ना, सो टेन सिक्स एक्स बाय सिक्स प्लस टेन एट एक्स बाय एट प्लस सी, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर थ्री. नाउ लेट अस अगेन सी द एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर भी इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर सिक्स भी ऐसा ही है, हम फोर और सिक्स को भी इसी कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं. थ्री नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये सभी क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, है ना. हम लोग एक एक आध क्वेश्चन चाहें तो और भी सॉल्व करके देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग कोई और क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस सी द अनदर एक्सरसाइज से कोई और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए. सो नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर फाइव विच इज डिफरेंट वन ना, और क्वेश्चन नंबर फाइव किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, वो इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव. सो लेट मी सी द क्वेश्चन नंबर फाइव, हे आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करने जा रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, इट इज टेन फाइव एक्स डी एक्स. अगर 10 में कोई भी ऑड पावर है और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो मेथड क्या होगा, क्योंकि हमें सेकेंड स्क्वायर चाहिए तो हम 10 स्क्वायर को अलग करेंगे क्वेश्चन से, कैसे? सी 10 स्क्वायर, चलिए लिख लेते हैं 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स. नाउ नेक्स्ट हियर वी हैव 10 क्यूब एक्स, नाउ 10 स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, और इट विल बी नाउ आवर क्वेश्चन इज लाइक दिस, टेन क्यूब एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स डी एक्स, राइट, टेन क्यूब एक्स डी एक्स, ये तो ठीक है, टेन एक्स को टी पुट करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसको हमें फिर ओपन करना है, तो क्या करते हैं, चलिए अभी क्वेश्चन कैसे लिखते हैं. सो वी हैव 10 क्यूब एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसे फिर 10 स्क्वायर को अलग कीजिए 10 एक्स, और जो 10 स्क्वायर है उसकी जगह लिखते हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, ओके. सो अगेन ओपन द ब्रैकेट, सो नाउ व्हाट डू यू हैव, 10 क्यूब एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, अगेन ओपन द ब्रैकेट, सो यू विल हैव 10 एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 10 एक्स डी एक्स. सो क्वेश्चन इज कन्वर्टेड इन थ्री पार्ट, क्या करना है, 10 एक्स को टी पुट करना है फॉर दीज टू पार्ट्स. इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, 10 एक्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, 10 एक्स विल बी लॉग सेकेंड एक्स, है ना. 10 एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, और फॉर्मूले में एक चीज ध्यान रहा है डियर फ्रेंड्स, हम जितने फॉर्मूले को याद रखेंगे उतना ही हम क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. कई बार क्या होता है कि हम फॉर्मूला नहीं याद रखते हैं, और इफ़ यू डोंट नो द फॉर्मूला ना, समटाइम्स सपोज यू डोंट नो द फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज सिंपली लर्न द फॉर्मूला, फॉर्मूले को याद रखिए. टेनिस को टी पुट करेंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बिकम डी टी, और क्वेश्चन विल बी कन्वर्ट इन टू, ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, टी क्यूब डी टी माइनस टी डी टी एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, ओके, रेस्ट आई एम लिविंग फॉर यू, है ना. आगे आप लिख छोड़ रहे क्वेश्चन, सीधा अनदर वन. अब जब इस क्वेश्चन को और ध्यान से देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसा ही है, नहीं सब क्वेश्चन नंबर 11 को भी हमने याद लिख दिया. 3 to 5, 7, एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि व्हाई नॉट क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए जहां पावर इवन है. ओके, हियर आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 12 इन विच वी हैव फॉर 6x dx, यानी इवन पावर का क्या करना है. इवन पावर का क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है कि इजी हो सकता है, लेकिन मेथड वही रहेगा. क्या करते हैं, इसको एक क्वार्ट को अलग करते हैं,
सो अगेन वी हैव कॉट 4x, कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स होता है कॉसिन स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स. सो नाउ इट विल बी कॉट 4x कॉसिन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट 4x डी एक्स. सो इज इट, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही जा रहा है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया था. अगेन इस कॉट को क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स, और जो एक कॉट स्क्वायर बच गया उसकी जगह लिखते हैं कॉसकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स. अगेन ओपन द ब्रैकेट. सो वी हैव कॉट 4x देन कॉसकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स कॉसकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स. इस कॉट एक्स को वापस कॉसकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख लीजिए. ओके, नाउ सिंपली कॉटेक्स को टी पुट करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके, ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा. लेट अस कम टू फ्यू मोर ना, और क्वेश्चन देखा जाए. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? सी नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 9. नाइन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव कॉट एन एक्स एंड कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स. अब ये क्वेश्चन सिंपली पता लग रहा है कि कॉटेक्स को, अगर कॉटेक्स को टी पुट करते हैं तो कॉट का हो जाएगा माइनस का कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, एंड क्वेश्चन विल बी माइनस टी टू पावर एन डी टी ना. सो ये जनरली इंटीग्रेट हो जाएगा. सो सी वी हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 5. देन हियर वी हैव टेकन द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3. लेट अस कम टू दिस. कोई और क्वेश्चन एक अच्छा लगता है तो हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं. सी नाउ क्वेश्चन नंबर 7 and 8, क्वेश्चन नंबर 7 8. सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं. यहाँ पर आइए, यहाँ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 विच इज सेकेंड 4 2x डी एक्स. क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सेकेंड को एक सेकेंड स्क्वायर एक्स को अलग कर लेते हैं, बच के सेकेंड स्क्वायर उसको लिख सकते हैं 1 plus 10 square 2x dx, राइट ना. यानी अगर सेकेंड में इवन पावर है तो क्या करना है, एक सेकेंड स्क्वायर को अलग कीजिए. अब क्या होगा कि जैसे ही 10 2x को टी पुट करेंगे सो 2 sec² x 2x dx बिकम dt. सो नाउ यू हैव 1/2, ये सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स तो बन गया dt, 1/2 dt. सो 1/2 dt, रेस्ट हमारा 1 plus t square. सो नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस. अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो डिफरेंस आपने देखा कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस कैटेगरी को बिलोंग करता है तो व्हाट आर द स्टेप्स, क्या स्टेप्स हैं, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, और हमने साथ ही साथ क्या किया है, एक्सरसाइज 19.11 को भी के भी जो 12 क्वेश्चन है, वी ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 19.11, इसके क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है. यहाँ पर मैं आपके लिए एक छोटा शॉर्टकट फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूँ कि कभी भी आप इस तरह को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, सो लेट अस टेक इट आई एन, अगर इसको आई एन एज्यूम कर लिया जाएगा, इसको थोड़े देर के लिए आई एन मान लेते हैं. सो नाउ आई एन विल बी 1 upon n minus 1 10 n minus 1 x minus integration of, that is integration being I n minus 2. So we may use this shortcut formula. इस shortcut formula को हम लोग use कर सकते हैं 10 के किसी भी question को solve करने के लिए. यानी अगर हम 4 से start करेंगे तो 4 में ये 2 आएगा और next 2 solve हो जाएगा. यानी किसी भी power से start करेंगे, suppose 8 से start कर रहे हैं, so it will convert to 6 6 4 4 cut 2, and then question will be solved. Okay, so dear friends, ये exercise किस तरह का लगा है जरूर बताइएगा. और जो rest of the question आपको आपके लिए छोड़े गए हैं, after 12 question we tried our level best to solve where the 2 the 3 the 4 the 5 the 6. so we have taken the 6 question, हमने 6 क्वेश्चनों को solve किया है. rest of the question आपके लिए छोड़ दिया गया है. so रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
और अदर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।